बड़ी खबर मिल रही है, रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, ये बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस का वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई संगठन नहीं है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की हार हुई उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष यानी अजय कुमार लल्लू के इस्तीफे के बाद से संगठन का फिर से निर्माण नहीं हो पाया है। 6 जून नामांकन की आखिरी तारीख है, ऐसे में कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। स्पष्ट है कि कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगा लोकसभा का। तो आपको बताएं, आजम खान और अखिलेश यादव के विधानसभा में जाने के बाद ये दोनों सीट खाली हुई थी, लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ेगी चुनाव, ये बात तय हो चुकी है। बाकी की डिटेल्स बिल्कुल अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अविनाश, कैसे देखा जाए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है उपचुनाव का, रामपुर और आजमगढ़ का? जी देखिए, अगर बात करें तो पहले भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव से पहले, उसके भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। क्योंकि अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद जो तमाम सारे कार्यकर्ता है नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी भी अभी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय नहीं हो पाई है। तो लिहाजा प्रियंका गांधी की कोशिश है कि पहले उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत किया जाए और 2024 का अब लक्ष्य रखा जाए। यही लिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि जिस तरीके से संगठन कमजोर है तो वो अब रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा ने भी यह निर्णय लिया है कि वो रामपुर में अपना लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि आजमगढ़ से पहले इसने प्रत्याशी घोषित कर दिया गुड्डू जमाली को, लेकिन रामपुर में अगर बात करें तो बसपा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कल दोपहर या शाम तक अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं रामपुर से अगर बात करें तो अभी तक अखिलेश यादव ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि तंजीन फातिमा वहां से उम्मीदवार हो सकती है जो कि आजम खान की पत्नी है। इस पर अंतिम निर्णय आज हो सकता है, और इसके बाद सिर्फ आज शाम तक या कल दोपहर तक अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी दोनों ही सीटों पर अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि समर्थन भी किसी को नहीं देगी, मतलब सीधा मुकाबला रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह पे अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होने जा रहा है। बिल्कुल, और इनके भी प्रत्याशियों के नाम का इंतजार चल रहा है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई नाम नहीं आएगा ये स्पष्ट हो चुका है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।